अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव चैट न्यूज। झारखंड में एक बार फिर से 31 मई तक लॉकडाउन की पाबंदियां बढ़ा दी गई है। सरकार ने 6 मई तक लॉकडाउन लगाया है 6 मई तक लॉकडाउन लगाया था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम खत्म होने से पहले बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। सरकार की ओर से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार ना हो, इसलिए सरकार ने ये कदम बढ़ाया है। राज्य वासियों की सुरक्षा के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। प्रवासी श्रमिक बंधु साथ दे, वो अपनी कोरोना जांच कराएं, कोरोना को हराएं। कोरोना हारेगा, झारखंड जीतेगा। कोरोना वायरस का संक्रमण गांव तक फैलने की घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। गांव में संक्रमण को समय रहते नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने सभी जिलों के उपायुक्तों के लिए बुधवार को एक आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। जांच में पॉजिटिव मिलने पर उस व्यक्ति का उपचार होगा और क्वारंटाइन किया जाएगा। जो निगेटिव मिलेगा उन्हें भी कम से कम 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा। अब झारखंड में 6 मई से बढ़ाकर 31 मई तक लॉकडाउन कर दिया गया है। खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।